After the discussion of shearing and processing of wool, come on to the next topic, silk. It is an animal fiber obtained from cocoon of silkworm. Basically, ये भी एक animal fiber होता है जिसको कहां से obtain किया जाता है? Silkworm के cocoon से. Next, a large number of these cocoons are unwound carefully to make long thread. यहां पर unwound, unwound का मतलब है खोलना. लार्ज नंबर में जो कोकून्स होते हैं उनको खोला जाता है केयरफुली और क्या बनाया जाता है उससे लॉन्ग थ्रेड लंबे धागे. नेक्स्ट दीज थ्रेड्स आर स्पन टुगेदर टू मेक देम थिकर एंड देन वूवन टू मेक सिल्क और इन लॉन्ग थ्रेड्स को स्पन करके क्या बनाया जाता है सिल्क. नेक्स्ट रेजिंग सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर और सिल्क वॉर्म से रॉ सिल्क का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कहलाता है सेरिकल्चर. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ इज बेसिकली वाइट इंसेक्ट. वाइट इंसेक्ट होता है. सो देर आर सेवरल स्टेज. फर्स्ट टॉक अबाउट इज फर्स्ट स्टेज एग. यहां पर डायग्राम भी शो है. ये लीव्स है, ये लार्वा, एग्स, ये प्यूपा कोकोन स्टेज एंड देन सिल्क मॉथ. ये पूरा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ रिप्रेजेंट हुआ हुआ है यहां पर. फर्स्ट एग, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल. सिल्क वॉर्म लाइफ की ये फर्स्ट स्टेज होती है. सेकेंड, फीमेल मॉथ लेज इट एग ड्यूरिंग समर. जो फीमेल मॉथ्स होती हैं वो समर के ड्यूरिंग समर वो एग्स देती हैं. थर्ड, द एग हैचेज इन स्प्रिंग. और जो अंडे से एग हैचेज मीन्स होता है अंडे से निकलना. और जो अंडे से जो निकलते हैं वो कब निकलते हैं? स्प्रिंग सीजन के अंदर. सेकंड स्टेप लार्वा. एग हैच इन टू लार्वा और कैटरपिलर्स. जो एग से या तो लार्वा बोलो या कैटरपिलर बोलो बात एक ही है. किसमें एग हैचेस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? लार्वा या कैटरपिलर में. विच फीड ऑन मलबरी लीव्स. जो किसको खाते हैं? मलबरी लीव्स को. नेक्स्ट, दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27 डेज. और ये 27 डेज का टाइम पीरियड होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द लार्वा शेड देयर स्किन 4 टाइम्स. इस टाइम पर जो आपका कैटरपिलर होता है वो सॉरी लार्वा होता है वो 4 टाइम्स अपनी स्किन को क्या देता है? शेड देता है. एंड द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ दिस स्किन इज मॉल्टिंग. और स्किन की जो प्रोसेस होती है सॉरी शेडिंग की जो प्रोसेस होती है स्किन की वो कहलाती है हमारी मॉल्टिंग. नेक्स्ट स्टेज नंबर 3rd प्यूपा जो कि यहां पर शो भी है. The caterpillar spin thin silk filament around it in layers to form a cocoon. जो caterpillar जो कीड़ा होता है वो अपने चारों ओर silk filament को cover कर लेता है, cover up कर लेता है layer form में और उस form को हम बोलते हैं cocoon. The silk worm takes 3 to 7 days to prepare the cocoon. और कितना time लगता है cocoon बनने में? 3 to 7 days. Silk threads are obtained from the cocoon. The colors of cocoons can range from white to golden yellow. और जो cocoon का जो color होता है वो किस range के बीच में होता है? White to golden yellow. Next, fourth step, silk moth. Pupa changes into a moth. After this stage, जो pupa होता है आपका वो किस में change हो जाता है? Moth के अंदर. Which comes out of the cocoon, जो cocoon से बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट, द फीमेल्स एडल्ट्स ले एग एंड द साइकिल रिमेन्स कंटिन्यू. और फीमेल एडल्ट्स अंडे देती रहती हैं, एग्स देती रहती हैं और ये साइकिल कंटिन्यू लूप में बनी रहती है. ओके, थैंक यू.